क्या आप सिविल इंजीनियर हैं? अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग किया, खासतौर से सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग करने के बाद वो राइट पोजीशन नहीं मिला जिस पोजीशन के आस में हमने इंजीनियरिंग को किया था। उसका रीजन है कि हमने राइट गाइडेंस और राइट थिंग्स चूज नहीं किया, इसकी वजह से हम फिनिशर नहीं बन पाए, यानी जिस चीज के लिए उसमें एंट्री किया था वहां पर नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों ने बताया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो उसमें लग गए, कुछ लोगों ने बताया कि साइट पर जाके कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करो तो उसमें लग गए, तो इस तरह से फंसते चले गए और बाद में समझ आया कि यार यात्रा तो कुछ ज्यादा कंप्लीट ही नहीं हुई, यात्रा के लिए जहां से निकले थे अभी तो लगभग वहीं पर रह गए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग राइट पोजिशंस, राइट पाथ और राइट फिनिशर नहीं बनते हैं। आप लोगों के सर मैंने प्रयास किया था तो मैंने सब कई सारे लोगों को देखा कि जो इंजीनियरिंग में जिनका स्ट्रक्चर्स आरसीसी सो बहुत अच्छा था पर उन्हें राइट गाइडेंस नहीं मिला तो आज इंटीरियर डिजाइनिंग के पोजीशन पे काम कर रहे हैं या फिर आज वो एज अ साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं। अगर आपका आरसीसी अच्छा था, सोम अच्छा था, स्ट्रक्चर एनालिसिस अच्छा था, डेफिनेटली आप बने थे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर। पर अब स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए आपने सपोज एक बार ट्राई भी किया तो आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहां पर आपने स्टैट प्रो सीखा, अब सामने वाले ने आपको टूल्स बता दिया, इस टूल्स का ये यूज होता है, इस टूल्स का ये यूज होता है, उसकी गलती नहीं है, आप टूल सीखने गए तो उन्होंने टूल सिखा दिया। अब आपको जब बोला गया कि एक बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस करके एक रिपोर्ट निकाल के हमको दिखाओ, आपने वो तो सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट को निकालने के लिए पहले आपको मैनुअल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक्सेल शीट्स के बारे में पता होना चाहिए, तब तो उसको निकालेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हर इंजीनियर फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर्स में बेहतरीन करियर नहीं बना पा रहा है। तो मैं आपके लिए कुछ राइट पोजीशंस और राइट वे में लेके आया हूं, शायद ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। उनके लिए जिनका ये एम है कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूं या फिर जिनका एम है मैं स्ट्रक्चर्स के अंदर खुद का कुछ करना चाहता हूं, तो आपके लिए मैं एक गिफ्ट लेके आया हूं। दैट गिफ्ट नेम इज ऑल इन वन। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताता क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं राइट फिनिशर बनूं और राइट पाथ से बनूं तो ऑल इन वन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आप बोलोगे सर कैसे ऑल इन वन हेल्प करता है और इसका नाम ऑल इन वन क्यों है, तो देखिए बताता हूं। सबसे पहले अगर आपको स्ट्रक्चर्स के अंदर एंट्री करना है उससे पहला पाथ होता है प्लानिंग करना आना चाहिए। तो पहले हमने ऑटोकैड के अंदर बेहतरीन ढंग से प्लान सेक्शन एलिवेशन सीख लिया और ये सीखने के बाद जब हम लोग प्लान सेक्शन एलिवेशन सीख लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसकी ड्राइंग्स बनाना, समेशन ड्राइंग बनाना, वर्किंग ड्राइंग बनाना, ये सब कर लिया। तो ये जब हम लोग ऑटोकैड में सीख लेते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ बनाना, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई अब इसकी एनालिसिस तो करना आना चाहिए। तो एनालिसिस करने के लिए ऑल इन वन में आपको सिखाया जाता है स्टैट प्रो। स्टैट प्रो को डीप लेवल पे, स्टैट प्रो मतलब टूल्स की बात नहीं हो रही है, स्टैट प्रो का मतलब होता है टूल्स के साथ कॉन्सेप्ट्स। अगर आप सेस्मिक लोड लगा रहे तो सेस्मिक लगाने से पहले आपको बेस शियर क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। AH इंटू W कैलकुलेट करें तो AH की वैल्यू क्या होती है, AH कैसे कैलकुलेट करते हैं, ZI by 2R into SA by G, तो SA by G क्या है, पहले ये आपको पढ़ाया गया है, फिर उसके बाद आपको एनालिसिस कराया गया है। विंड लोड कर रहे हो तो विंड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए K1, K2, K3 क्या है, VV क्या है, पहले वो पढ़ाया गया है, उसके बाद उसमें एनालिसिस कराया गया है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा के तब आपको सॉफ्टवेयर स्टिच किया जाए जिससे आपके यहां पर हो जाए। स्वाभाविक सी बात है अगर हमको केवल विंड एनालिसिस पढ़ना है स्टैट प्रो कैसे करते हैं तो 4 स्टेप्स है, हम स्टैट प्रो को आराम से यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन उसके साथ जब कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो ऑल इन वन के अंदर नेक्स्ट स्टेप है कि आपने स्टैट प्रो बहुत अच्छे से सीखा, उसके साथ ड्राइंग्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए आरसीडीसी सीखते हैं, उसके बाद सपोज ये तो हो गए छोटे छोटे बिल्डिंग G+5, G+6, G+3, G+4 के लिए, उसके बाद अगर कोई हाई रेंज बिल्डिंग्स आपको मिल जाता प्रोजेक्ट तो वहां पर भी आपको स्किप नहीं करना है प्रोजेक्ट को, आप उसके लिए ईटैप सॉफ्टवेयर ऑल इन वन में सिखा दिया जाता है। ईटैप सॉफ्टवेयर में आप हाई रेंज एक से बढ़कर एक बिल्डिंग रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, पुश ओवर एनालिसिस, पी डेल्टा एनालिसिस, हर तरह के एनालिसिस को पहले यहां पर सीखते हैं विथ कॉन्सेप्ट्स। बार-बार याद दिला रहा हूं विथ कॉन्सेप्ट्स। तो ये ऑल इन वन की सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि यूनिक थिंग है वो है कॉन्सेप्ट्स के साथ टीचिंग। ये नहीं कि जस्ट डायनेमिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस करने के केवल 5 स्टेप 6 स्टेप ही तो है, लेकिन डायनेमिक्स पढ़ने के लिए लगभग 1.5 हफ्ते तक पढ़ाया गया है। तो आप यहां पर डायनेमिक एनालिसिस पढ़ोगे, उसके बाद उसकी एनालिसिस पढ़ोगे, और प्लस हाई रेंज बिल्डिंग के लिए राफ्ट का फाउंडेशन है, क्या बोलते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन है, कंबाइंड फुटिंग से उसके लिए सेफ सॉफ्टवेयर सीखते हो ऑल इन वन में। अब देखो कैसे सीरीज से जा रहे हो आप,
यही सीरीज की तो जरूरत है। अगर आप सीरीज को ध्यान से फोकस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। इसके बाद आपने ये सब सीख लिया तो नेक्स्ट स्टेप पर आप जाते हैं। ये सब के लिए आपको इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो नीचे लिंक्स पे आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है यहां से भी आप ले सकते हैं कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज है। सो आई कांट एक्सप्लेन यू इन वन वीडियो, क्योंकि पेशेंस भी तो रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तब जाके पूरा का पूरा समझ पाओगे। इसके बाद जब आपका ईटीए बोर्ड सेफ हो जाता है उसके बाद आपको मैनुअल पढ़ाया जाता है। मैनुअल के अंदर क्या होता है, जी प्लस टू के बिल्डिंग्स का एक बीम का कॉलम का फुटिंग का स्लैब का सबका एक एक डिजाइन सब पता चलना चाहिए ना कि स्लैब का थिकनेस इतना ही क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला आईएस कोड में है। कौन सा फॉर्मूला है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर आपको सपोज आप डेफिनेटली कल को आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो सामने वाला क्लाइंट बोलता है ना कि यार स्ट्रक्चर एनालिसिस तो आपका पार्ट है, अच्छी बात है आप कर रहे हैं, पर क्या बना के देंगे हमें? तो उसके लिए 3D मॉडलिंग, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर्स को भी सिखा दिया जाता है, रैबिट एस्टिमेशन को सिखा दिया जाता है, जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से किसी को भी डिजाइन करके दे सके, मॉडलिंग करके दे सके, प्लानिंग करके दे सके और एस्टिमेशन करके दे सके। अगर इतना करके देंगे तो इसको बोलते हैं फिनिशिंग कर दिया आपने ड्राइंग्स का, एस्टिमेशन ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स बनाया, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाया, उसके बाद आपने बढ़िया तरीके से मॉडल बनाया, मॉडल बना के एस्टिमेशन दिया, इसको बोलते हैं फिनिशिंग वर्क। तो इसीलिए जब स्टार्ट टू एंड काम हो गया ना, दैट वर्क इज कॉल्ड ऑल इन वन। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो हमने डिजाइन किया है ओनली 6000 रुपीज में, लाइफ टाइम एक्सेस, और मेरे खुद के लाइव प्रोजेक्ट्स इसके अंदर दे दिए जाते हैं। लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत ढेर सारे स्टडी मटेरियल, सारे सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशन। उसके लिए आपको दो प्रोजेक्ट करके दिखाना पड़ता है, कोई भी दो आप दिखाते हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे से किया तो आपको सर्टिफिकेशन, वो भी ISO सर्टिफाइड, MSME अप्रूव्ड, सब कुछ इस ऑल इन वन में मिल जाता है। दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज कॉल्ड ऑल इन वन। इस तरह से अगर आप सीखते हैं, उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट के लिए भी आपको बताते रहते हैं कि यहां यहां पर ओपनिंग चल रही है, अप्लाई करिए, ऐसे रिज्यूम बनाइए, ऐसे पोर्टफोलियो बनाइए, सो दैट आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये जो स्पिरिट है ना, जो ये फोकस है ना, इस तरीके से प्लान करना वही समझ सकता है जो उस जर्नी से गुजरा हुआ है। मेरा खुद का 7 साल का एक्सपीरियंस और इस पूरे कोर्स को हमने खुद पढ़ाया हुआ है, 250 घंटे का कंटेंट है। तो एक तरीके से एक सेमेस्टर में जितना आप पढ़ते हो उतना आपका यहां पर पूरा का पूरा कंप्लीट आप सीख सकते हो, और ये फिक्स है कि एक सेमेस्टर के से ज्यादा ही कम तो बिल्कुल नहीं, इतना नॉलेज आप गेन कर लोगे। और इतना जब नॉलेज गेन करके किसी कंपनी के सामने बैठते हो, हाउ कैन यू से कि यू आर अ फ्रेशर, यू आर नॉट अ फ्रेशर, यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, स्टेट प्रो, ईटीएफ, आरसीडीसी, सेफ, मैनुअल, एक्सेल, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर्स। That mean, आप प्रूफ कर रहे हो कंपनी को कि अगर मुझे आप लेते हो तो मैं खाली नहीं बैठूंगा, मुझे आप सिखाओ मत, डायरेक्ट प्रोजेक्ट दो, हम प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा why this course is too much valuable for you. If you are good in that, छोड़ो उस जॉब को जिस जॉब में आप फंसे हुए हो, हैटिक जॉब, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रही है, सुबह कब जा रहे हो, शाम को कब आ रहे हो, कुछ पता नहीं है, उससे बाहर निकलो। साथ ही साथ इसको अपग्रेड करो और अपडेट करके एक अच्छे रेपुटेटेड कंपनी में, या फिर आप खुद का भी सोच सकते हो कि मैं खुद अपना काम स्टार्ट करूंगा इस वे से, क्योंकि सर पूरी तरीके से हमको काम को सिखा दे रहे हैं, इससे बेटर क्या हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आप इस वीडियो, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जाके पूरे कोर्स की इंक्वायरी, कोर्स का सिलेबस सब कुछ देख लीजिए। कोई डाउट रहे तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट करके डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। हाँ, इस कोर्स के साथ आपको डाउट लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। तो डाउट लेक्चर से क्या होता है, आपको कुछ भी डाउट है आके आप पूछ सकते हैं कि सर मैं ये कर रहा हूं, ये क्या गलत है कि सही है, आइए डाउट लेक्चर्स पे आप पूछ लीजिए। तो पूरी की पूरी एक तरीके से फैसिलिटीज आपको मिल गई, लाइफ टाइम एक्सेस मिल गया, उसके साथ मेरी खुद की एक्सपर्टीज, प्लेसमेंट के लिए कहां कहां पर ओपनिंग चल रही है वो भी आपको यहां पर एक टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, जिसके अंदर आप जान सकते हैं कि अच्छा यहां यहां प्लेसमेंट चल रहा है। तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन, प्लस सबके लिए ISO सर्टिफिकेशन, MSME अप्रूव्ड, क्या चाहिए आपको। तो इस तरीके से अगर फ्रीशर लेवल पर आप एक्सपर्ट हो, रिज्यूम पोर्टफोलियो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, बनाइए, और बनाने के बाद अपने जॉब में एक अच्छे पोजिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।